धोखे की कार या इसको तो अब जाने भी दो ना, मैं फिर आऊंगी। अब तो लोकेश भी नहीं है यहाँ पर, जाने दो प्लीज। देखो पार्टी खत्म होने से पहले मुझे पार्टी वेन्यू पहुंचना होगा, वरना लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, आई प्रॉमिस। बाय। सिद्धांत, अंधेरे में क्यों छुपे हो? सामने आओ। मैंने सब सुन लिया है सिद्धांत। मुझे लगता था कि तुम इस शहर से दूर चले गए हो। मैं सोचता था कि तुम और संयोगिता अभी एक दूसरे से नहीं मिलते हो, लेकिन मैं गलत सोचता था। तुम यही हो सिद्धांत, मैं कहता हूं सामने आओ। Oh my God, ये मैंने क्या कर दिया? मिस्टर कोहली, तुम घर के फोन से कैसे फोन कर रहे हो मुझे? और सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? लोकेश तुम्हें ट्रेन में होना चाहिए, तुम घर पे क्या कर रहे हो? मिस्टर कोहली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे हाथों एक खून हो गया। क्या खून? किसका खून? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सिद्धांत रस्तोगी को मार दिया। सिद्धांत रस्तोगी? लोकेश, मैंने उसे 14 महीने पहले सिलीगुड़ी भेज दिया था, वो यहाँ कहाँ से आ गया? वो कहीं नहीं गया था मिस्टर कोहली, वो यही था और मैंने उसे मार दिया। उसकी लाश बीच कॉटेज रूम नंबर 5 में ही है। लोकेश मेरी बात सुन, तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। Are you listening to me? अभी आ जाओ, मैं तुम्हें फौरन यहाँ से पूना भेजने की तैयारी करता हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी ट्रेन पूना पहुंचे, तुम पूना पहुंच जाना और अपनी ट्रेन बोर्ड कर लेना, और बीच कॉटेज को भी भूल जाओ, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन उसकी वो डेड बॉडी? उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम याद रखना कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? लाश के पास से ही पॉकेट मिली है।
सिद्धांत रस्तोगी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? जी वो सामने वाला प्लॉट मेरा है, मैं हर रात यहाँ सामान चेक करने के लिए एक बार तो आता ही हूँ। क्या देखा तुमने? एक बड़ी सी कार थी साहब, जिसने ये आदमी को उड़ा दिया। गाड़ी का नंबर देखा? ड्राइवर का मुंह नहीं देखा, लेकिन गाड़ी का नंबर देखा। क्या नंबर? MH02757। MH02757। राहुल अथवाकर जी, जी जी आप? जी मैं ही राहुल हूं, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। मिस्टर राहुल वाधवा, क्या बात, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जी कुछ नहीं, वो कल पार्टी की थी, वैसे पीता नहीं हूं, पर कल पिला दी दोस्तों ने, थोड़ा सा सिर दर्द, हैंगओवर है और कुछ नहीं। रात को पार्टी से कितने बजे लौटे आप? जी मैं ठीक से ऐसा याद नहीं है मुझे। क्यों? अच्छा आपको ये तो याद होगा कि MH02757 नंबर की कार आपकी अपनी कार है? जी हाँ मेरी कार है। क्यों क्या हुआ उस कार को? मिस्टर राहुल आदवा, आपको सिद्धांत रस्तोगी के हिट एंड रन मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। क्या क्या बात कर अरेस्ट है? अरे आप लोग एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए मेरे वकील से। एक मिनट, एक बार फिर दौलत के जुनून में एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने खेला खूनी खेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के सबसे बड़े बिल्डर वाधवास के छोटे बेटे राहुल वाधवा की। नशे में धुत राहुल वाधवा ने अपनी गाड़ी से कुचलकर एक इंसान की जान ले ली। ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ पे वाधवा परिवार के सबसे होनहार बेटे को गिरफ्तार करके रखा गया है। कैमरामैन राकेश के साथ मनीष भदौरिया। जी मिस्टर वाधवा, मैंने देखा अभी न्यूज पर। जी मैं आता हूँ आपके पास। 7-8 साल तो हो गए होंगे तुम्हें देखे हुए। जी। सुना है तुम बहुत बड़े वकील बन गए हो। तुम्हारे पिताजी, मालूम है मुझे, मालूम है। तुम ये तो समझ ही गए होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। मेरा बेटा राहुल ऐसा काम नहीं कर सकता। इसकी बेल तो हमने करवा दी है, पर हमारे खानदान के नाम पर से ये दाग हटाना अब ये तुम्हारा काम है। बोलो केडी, मेरे बेटे का केस लड़ोगे ना? जी अगर राहुल बेकसूर है तो। केडी मुझे मालूम है कि पूरी रात राहुल पार्टी में था, तो फिर वो कैसे? पापा जी, राहुल तो पार्टी से रात को 11 बजे ही निकल गया था। जी आप? मैं जैस्मिन अंधावा, इन सब की फैमिली फ्रेंड। एक्सीडेंट रात के 1:30 बजे हुआ था और आप 11 बजे पार्टी से निकले। अदालत में यह सवाल पूछा जाएगा कि कहीं आपने उस रात क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं वैसे पीता नहीं हूं, लेकिन उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने जिद की, इसलिए थोड़ी सी पी ली थी। मैं अपनी फ्रेंड्स की कार में ही गया था पार्टी में, मेरी कार तो बाहर पार्क थी। केडी सर, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? तो बाबूराव जी, उस रात आपने अपनी आंखों से एक्सीडेंट को होते हुए देखा? जी। और फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जिस गाड़ी ने सिद्धांत रस्तोगी को कुचला, उस गाड़ी का नंबर है MH02757। क्या ये बात सही है? जी एक्चुअली उस रात आसपास इतना अंधेरा था कि कुछ भी कॉन्फिडेंटली कह पाना मुश्किल है। क्या नंबर था? MH02757। गाड़ी का नंबर 575 भी हो सकता है, 557 भी हो सकता है, या
775 भी हो सकता है, मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये गवाह अचानक कोर्ट में आकर कैसे बदल गया? बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं आपके सामने अपना अगला गवाह पेश करने जा रही हूँ, मिस जैस्मिन रंधावा। मिस जैस्मिन रंधावा, क्या आप उस रात राहुल वाधवा जी के साथ पार्टी में मौजूद थी? जी हाँ। जरा याद करके बताइए कि राहुल वाधवा जी पार्टी से कितने बजे निकले? जी करीबन 2 बजे। राहुल तो पार्टी से रात को 11 बजे ही निकल गया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उस रात राहुल वाधवा ने अपनी गाड़ी से 1:30 बजे सिद्धांत रस्तोगी को हिट नहीं किया क्योंकि वो 2 बजे तक पार्टी में मौजूद थे? जी हाँ। मिस जैस्मिन रंधावा, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अपने बयान में ये कहा था कि राहुल वाधवा पार्टी से 11 बजे निकले थे, 2 बजे नहीं। तो फिर आज आप कोर्ट में झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब राहुल पार्टी से रात को 2 बजे निकला तो आखिर मैं ऐसा क्यों कहूंगी कि वो रात को 11 बजे निकला? मेरे बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। Your Honor, यहाँ गवाहों को अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। Order, order. Miss Keswani, आपके पास कोई और सबूत है तो उसे पेश कीजिए, वरना मजबूरन मुझे अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। मैडम, थैंक यू Your Honor, मैं इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगी। गुनहगार अपने गुनाह को चाहे जितना भी छुपाए, जितने भी गवाहों को खरीदने की कोशिश करे, सच तो सामने आता ही है। मिस केसवानी, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए। मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि गोली लगने की वजह से हुई थी। In the court, please. इसका मतलब ये है जज साहब कि राहुल वाधवा ने पहले सिद्धांत रस्तोगी पर गोली चलाई और उसके बाद उसे हिट एंड रन केस बनाने के लिए उनको अपनी गाड़ी से कुचल दिया। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि इस केस को एक्सीडेंट के रूप में नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक इरादतन हत्या के केस के रूप में देखा जाए। इस रिपोर्ट के बाद इस केस ने नया मोड़ लिया है, इसलिए यह अदालत इस केस की पूरी तरह छानबीन करने का हुक्म देती है और मिस्टर राहुल वाधवा का बेल कैंसिल करते हुए इस केस के सॉल्व हो जाने तक उन्हें पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। केडी सर, आप तो ये केस जीतने वाले थे पर इस नए खुलासे ने केस को और उलझा दिया है। वरुण, इस खुलासे के होने से पहले ही मेरा मन उलझ गया था। आखिर क्यों सारे गवाहों ने अपना बयान बदल दिया? और वैसे भी वरुण, जब सहारा झूठ का हो तो जीत या हार मेरे लिए मायने नहीं रखती। आप पहले इंसान होंगे मिस्टर पाठक जिसे जीतना मंजूर नहीं। वैसे मैं आपको आज की जीत के लिए कंग्रेचुलेट करने आया था, लेकिन बैठिए। थैंक यू। वैसे आज गवाहों के रुख को देख के आप हैरान हो रहे होंगे। इसमें हैरानी की क्या बात है, जाहिर है गवाह खरीदे गए। खेड़ी साहब, आप तो जानते ही हर इंसान की कीमत होती है, उसे उसकी कीमत दे दो और वो आपका हो जाएगा। मैंने भी बस यही किया। मिस्टर कोहली,
शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं मुकदमे अपने मुवक्किल को जितवाने के लिए नहीं लड़ता, सच को सामने लाने के लिए लड़ता हूं। और अगर राहुल वाधवा का सुरवार है तो ना ना मिस्टर केडी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो सोचना भी गलत है। आप प्लीज इस तरह का शक भी अपने दिमाग में मत लाइए कि राहुल ने कोई गुनाह किया है। वो बेचारा तो बेकसूर है, और वैसे भी हिट एंड रन केस तो उस पर साबित भी नहीं हुआ। और जहां तक बात है सिद्धांत रस्तोगी पे गोली चलाने की, तो केडी साहब वो गोली राहुल ने नहीं चलाई थी, किसी और ने चलाई थी। अच्छा, और ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पूरी कहानी मालूम है। कैसी कहानी? दरअसल हुआ ये कि लोकेश को अपनी पत्नी संयोगिता पे शक था कि वो शादी के बाद भी सिद्धांत से मिल रही है, इसे ट्रेन को छोड़ के वो संयोगिता का पीछा करके सीधा बीच कॉटेज पहुंच गया सिद्धांत से मिलने। संयोगिता के वहां से जाने के बाद उसने सिद्धांत को कन्फ्रंट किया, और उस वक्त उसके पास राहुल की .22 रिवॉल्वर भी थी। सिद्धांत और लोकेश के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ गई, दोनों के बीच में हाथापाई हुई और लोकेश के हाथों गोली चल गई, सिद्धांत की मौत हो गई। उसके बाद लोकेश को मैंने पूना पहुंचाया, और बीच कॉटेज में जाके मैंने सिद्धांत की बॉडी को वहां से हटाया और एक सुनसान जगह पर ले जाके उसे राहुल की कार के नीचे कुचल दिया, ताकि वो हिट एंड रन का केस लगे। एक बात समझाइए मुझे मिस्टर कोहली, आपकी बातों से तो लगता है कि आप वाधवा परिवार के शुभचिंतक हैं, तो फिर ये काम करने के लिए आपने राहुल वाधवा की गाड़ी क्यों चुनी? हाँ, केडी साहब, आपने क्या बात पकड़ी है। हाँ, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे राहुल की कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि अब तो राहुल गुनहगार साबित हो जाएगा। ना, डोंट वरी केडी साहब, ऐसा नहीं होगा। देखिए, वैसे भी सिद्धांत को तो पहले ही किसी ने गोली से मार दिया था, तो राहुल की कार से कुचलकर हिट एंड रन का केस तो वैसे भी नहीं बनता है, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। एनीवे, मैं चलता हूं मिस्टर पाठक, हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्या वरुण? सर, क्या कह रहा था यार? फिगर अबाउट दैट, एक काम करो, लोकेश वाधवा, सिद्धांत रस्तोगी और इस मुकदमे से जुड़े जितने लोग हैं उनकी हर खबर, हर जानकारी मुझे चाहिए, कंप्लीट हिस्ट्री। मिल जाएगी सर। मिस्टर राहुल वाधवा, क्या आप इस रिवॉल्वर को पहचानते हैं? जी हाँ, ये रिवॉल्वर मेरा ही है। थैंक यू मिस्टर राहुल। योर ऑनर, मैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? बैलिस्टिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपनी रिपोर्ट पहले ही दे चुका हूँ। जो गोली विक्टिम की बॉडी से मिली है वो गोली इसी रिवॉल्वर से चली है। तो साफ है योर ऑनर कि मिस्टर राहुल वाधवा की गन से निकली हुई गोली से ही सिद्धांत रस्तोगी का खून हुआ। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। Your Honor, मुझे लगता है कि आज केडी के पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं। मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहती हूँ, मिसेस संयोगिता वाधवा। मिसेस संयोगिता वाधवा, 19 अगस्त की रात उस पार्टी के बारे में आपको कुछ याद है? जी बिल्कुल याद है, याद क्यों नहीं होगा। उसी रात मेरे हस्बैंड लोकेश वाधवा माउंटेनियरिंग के लिए गए थे। क्या उस रात पार्टी में आपके देवर मिस्टर राहुल वाधवा ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी? क्या वो
बिल्कुल भी होश में नहीं थे? जी नहीं, राहुल वैसे भी इतना नहीं पीता है। उस रात आप दोनों के बीच पार्टी में कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन सारी बातें मुझे याद नहीं है। जरा सोच के बताइए मिसेज वाधवा, शायद कोई खास बात हो। दरअसल राहुल मुझसे थोड़ा नाराज था। राहुल आपसे नाराज क्यों थे? सिद्धांत रस्तोगी के मुंबई वापस आ जाने की बात से। झूठ कह रही है ये। आप बीच में मत बोलिए मिस्टर वाधवा। सिद्धांत रस्तोगी के मुंबई वापस आ जाने से राहुल वाधवा क्यों नाराज होंगे? दरअसल लोकेश से मेरी शादी होने से पहले सिद्धांत मुझसे शादी करना चाहता था। मेरी शादी होने के बाद भी वो मुझे परेशान कर रहा था। इसी बात से वाधवा परिवार के सभी लोग मुझसे नाराज थे, और मैं ये बात प्रूव ही नहीं कर पा रही थी कि सिद्धांत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोल रही है। सिद्धांत के बारे में मैंने इनसे कोई बात ही नहीं की है। क्या बोल रही हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वाधवा, ये अदालत आपको भी बोलने का मौका देगी। राहुल का कहना था कि सिद्धांत ने वापस आकर बहुत गलत किया है, उसे मेरी और लोकेश की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने का कोई हक नहीं है। और आपने उनकी बात का उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने यही कहा कि राहुल का शक बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन ये शक राहुल वाधवा के दिमाग में घूमता रहा। योर ऑनर, वो अपनी भाई और भाभी की जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उस रात पार्टी के बाद नशे में धुत राहुल वाधवा ने सिद्धांत को कन्फ्रंट किया, उन पर गोली चलाई और फिर उसे हिट एंड रन केस बनाने के लिए सिद्धांत रस्तोगी की डेड बॉडी पर अपनी गाड़ी चला दी। I object, Your Honor. Prosecution मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगा रही है। वो भी अभी साबित हो जाएगा। मिस्टर कोहली, 19 अगस्त की रात, पार्टी की रात, आप कहाँ थे? मैं पार्टी में था, और पार्टी खत्म होने के बाद मैं अपने घर चला गया। उस रात आपको वाधवा हाउस से 2 कॉल्स आए थे, वो किसके कॉल्स थे? मुझे कोई कॉल नहीं आए थे। मिस्टर कोहली, हमारे पास आपके फोन रिकॉर्ड्स के डिटेल्स हैं। उस रात आपको वाधवा हाउस से 2 कॉल्स आए थे। आप क्या कोर्ट को बता सकते हैं कि वो 2 कॉल्स किसके थे? उस रात आपको वाधवा हाउस से 2 कॉल्स आए थे। आप क्या कोर्ट को बता सकते हैं कि वो 2 कॉल्स किसके थे? वो फोन कॉल्स मुझे राहुल ने किए थे। बकवास कर रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई फोन कॉल नहीं किया था इनको। ऑर्डर ऑर्डर। क्यों किए थे राहुल ने आपको वो फोन? मैंने पूछा राहुल से कि आखिर बात क्या है, तो इसने मुझसे कहा कि ये नशे की हालत में धुत पार्टी से निकलकर सीधा बीच कॉटेज गया। राहुल बीच कॉटेज क्यों गए? दरअसल राहुल वाधवा अपने बड़े भाई लोकेश वाधवा से बहुत प्यार करता है, जान तक दे सकता है उसके लिए। राहुल वाधवा को शक था कि उसकी भाभी संयोगिता वाधवा से सिद्धांत मिलने की कोशिश कर रहा है, और राहुल सिद्धांत से यही कहने गया था कि वो ऐसा ना करें। शायद दोनों के बीच में हाथापाई होगी, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी और राहुल के हाथ से गोली चल गई। ऑर्डर ऑर्डर। फिर क्या हुआ? राहुल वहां से घबरा के भाग गया और उसने मुझे फोन किया। क्या कहा उसने आपसे? राहुल चाहता था कि मैं बीच कॉटेज पहुंचूं और वहां से सिद्धांत रस्तोगी की डेड बॉडी को निकालकर इस केस को भटकाने के लिए, कोर्ट को गुमराह करने के लिए हिट एंड रन का केस बनाऊं।
मैंने राहुल से कहा कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये मर्डर उसने सेल्फ डिफेंस में किया है और उसे सीधा जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनते ही उसने फोन काट दिया। फिर सुबह मुझे पता चला कि राहुल को हिट एंड रन केस में अरेस्ट कर लिया गया है। That's all, Your Honor. Your witness, KD. The court is adjourned till tomorrow. आप तो जानती हैं, हर इंसान की कीमत होती है। उसे उसकी कीमत दे दो और वो आपका हो जाएगा। मैंने भी बस यही किया। सर, मैं सारी इंफॉर्मेशन लिया, ये देखिए। सर, मिसेस सहयोगिता वाधवा का कहना है कि वो अपने पति मिस्टर लोकेश वाधवा के साथ ईमेल पर बातचीत करती रहती है। ये उसी की प्रिंटआउट कॉपी है। और दूसरी बात सर, सिद्धांत रस्तोगी जिसका कत्ल हुआ है, 14 महीने पहले श्रीगुड़ी के किसी प्रोजेक्ट पर मिस्टर कोहली ने खुद उन्हें अपॉइंट किया था। वेरी इंटरेस्टिंग, तूने एक बात पे गौर की? ये दोनों ईमेल्स अलग अलग आईडी से हैं, लेकिन दोनों का आईपी एड्रेस सेम है। आईपी एड्रेस, इसका मतलब? अदालत में समझाऊंगा, उससे पहले मैं खुद समझना चाहता हूं कि वाधवा हाउस में वो रिवॉल्वर मिला, वाधवा हाउस से वो फोन कॉल्स मिस्टर कोहली को गए, वाधवा हाउस का क्या माजरा है। नमस्ते वाधवा सर। केडी, खून हुआ बीच हाउस में, हिट एंड रन हुआ वाधवा हाउस के बाहर, फिर तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? वाधवा सर, मुझे यकीन है कि राहुल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक है कि वो जो भी है उसका ताल्लुक किसी घर से है। आप वाधवा साहब, ये एक ही एक्सटेंशन है लैंडलाइन का हॉल में? हाँ यही है। उनका निशान लगता है, इसकी जांच करवा। और एक और काम कर मेरा, लोकेश वाधवा, मिस्टर कोहली और जिनकी लाश मिली, इन तीनों की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट चाहिए मुझे, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, थैंक्स। मिस्टर कोहली, उम्मीद करता हूं कि पिछली सुनवाई में अदालत में आपने जो कुछ भी कहा वो याद होगा आपको। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था जो मैं भूल जाऊं। तो आपको ये याद है कि आप मेरे दफ्तर आए थे? जी हाँ। ग्रेट, फिर तो आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझसे कहा था किस तरह मिस्टर लोकेश वाधवा ने अपनी पत्नी का पीछा किया, किस तरह उनका मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी से आमना सामना हुआ, किस तरह उन्होंने सिद्धांत को गोली मारी और फिर आपको फोन किया। In the court, please. बकवास है ये। मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा जबकि मैं जानता हूं कि लोकेश वाधवा उस वक्त वहां पर नहीं थे बल्कि ट्रेन में थे। आपने ये सारी बातें मुझसे नहीं कही, तो फिर तो मिस्टर कोहली, आपने मुझसे ये भी नहीं कहा होगा कि मिस्टर राहुल वाधवा की गाड़ी से आपने खुद मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी के मृत शरीर को कुचला। ये क्या पागल पहने मिस्टर केडी पाठक, ये बेबुनियाद आरोप आप क्यों लगा रहे हैं मुझ पे? आरोप अभी तक लगाया नहीं मिस्टर कोहली, सिर्फ पूछ रहा था। सर, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। यस
योर ऑनर, कथित रूप से वध किए गए द सो कॉल्ड मर्डर्ड मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी, उनके बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी हासिल हुई है मुझे। सो कॉल्ड मर्डर्ड केरी, क्या मतलब है इसका? कोर्ट में सबको मालूम है कि सिद्धांत रस्तोगी का ही मर्डर हुआ है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सच कुछ और है प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मंगवाए गए इस रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की मृत्यु सिलीगुड़ी में एक कार दुर्घटना के अंतर्गत हो गई थी, आज से 8 महीने पहले। योर ऑनर, मेरे हाथों में फोरेंसिक्स की 2 रिपोर्ट है, एक द ओरिजिनल मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की उंगलियों के निशान की और दूसरी उस शख्स की उंगलियों के निशान की जिनका हाल ही में कत्ल हुआ, जिन्हें अदालत अब तक मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी समझ रही थी। देखने से बिल्कुल स्पष्ट होता है योर ऑनर कि दोनों उंगलियों के निशान में कोई मेल नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर कोहली, आप जानते थे मिस्टर रस्तोगी को? जवाब दीजिए मिस्टर कोहली। जी जी जानता हूं। और खबरों के अनुसार आप ही ने मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी को सिलीगुड़ी भेजा था, क्योंकि वो लोकेश वाधवा और सहयोगिता वाधवा की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और मैं इसे अपना फर्ज मानता हूं। वाधवास की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। बड़े नेक विचार हैं आपके। खैर ये बताइए कि क्या ये सच नहीं कि मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की मृत्यु के बाद आप खुद स्वयं सिलीगुड़ी गए थे वाधवा कंस्ट्रक्शंस का काम किसी और आर्किटेक्ट को सौंपने? देखिए ना मत कहिएगा, क्योंकि आप ही के एम्प्लॉयज का लिखित बयान जज साहब की मेज पर रखा हुआ है। हाँ हाँ, मैं गया था। यानी कि आप जानते थे कि मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी ये बात आपने अदालत में नहीं बताई। और अगर आप जानते थे कि मिस्टर रस्तोगी मर चुके हैं, तो वो शख्स कौन था मिस्टर कोहली जिसका उस दिन कत्ल हुआ? बताइए मिस्टर कोहली, वो कौन है जो मिस्टर रस्तोगी के मरने के बाद 8 महीनों तक उनकी पहचान लेकर जीता रहा? वो कौन है जो मिस्टर रस्तोगी के नाम से होटलों में मिसेस सहयोगिता वाधवा से मिलता रहा? वो कौन है जिनके साथ मिसेस सहयोगिता वाधवा का रिश्ता है? वो कौन है जिनसे मिलने मिसेस सहयोगिता वाधवा उस दिन बीच हाउस गई थी? कौन है वो मिस्टर कोहली, बोलिए ना, कौन है? कैट गॉट योर टंग, मुंह पे ताले क्यों लग गए मिस्टर कोहली? मैं बताता हूं कौन है। आप है वो मिस्टर कोहली, इट्स यू। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या बकवास है ये? सबको मालूम है कि उस रात उसे मार दिया गया, यही कहना चाह रहे थे ना आप मिस्टर? वो मिस्टर लोकेश वाधवा, उन्हें तो इल्म भी नहीं था कि उन्होंने आप पर गोली चलाई, लेकिन आपने उन्हें आभास दिलाया कि आपको गोली लगी, क्योंकि आप जानते थे कि वो आपको फोन करेंगे अपने बचाव के लिए, और उन्होंने आपको फोन किया। कैसी बेहुदा बात है ये, ऐसा कभी हुआ ही नहीं योर ऑनर, ऐसा। चलिए नो प्रॉब्लम, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। योर ऑनर, इस समय मैं मिस्टर कोहली से आगे कुछ नहीं पूछना चाहता। मैं दरख्वास्त करता हूं अदालत से
कि मुझे मिसेस संयोगिता वाधवा को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत? मिसेस संयोगिता वाधवा उस दिन अपने पति को ट्रेन तक छोड़ने के बाद आप बीच कॉटेज गई थी या नहीं, ये जरा अदालत को बताने का कष्ट करें। जी नहीं। अच्छा तो ये बताइए कि जब से आपके पति देव गए हैं तब से लेकर के अब तक क्या आपने उनके साथ संपर्क करने का प्रयास किया? जी, मैं हर रोज उन्हें मेल करती हूँ और जब भी वो मेल एक्सेस कर पाते हैं मुझे जवाब भी देते हैं। रियली? तो इसका अर्थ ये हुआ मिसेस वाधवा कि आप एक मृत इंसान के साथ संपर्क में हैं जिसे आप ईमेल्स भेजती हैं और वो जवाब भी देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेस वाधवा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पति मिस्टर लोकेश वाधवा की उंगलियों के निशान और पाए गए लाश की उंगलियों के निशान हूबहू एक जैसे हैं, जिसका ये मतलब होता है कि अब तक अदालत जिसे सिद्धांत रस्तोगी की लाश समझ रही थी, दुर्भाग्यवश वो आपके पति लोकेश की लाश। तक अदालत जिसे सिद्धांत रस्तोगी की लाश समझ रही थी, दुर्भाग्यवश वो आपके पति लोकेश की लाश। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस वाधवा, आप उस रात पार्टी से कितने बजे घर लौटी? करीब 12 बजे। और आप जब घर लौटी तो आपके साथ उस समय घर पर कौन कौन उपस्थित था? घर पे तो कोई नहीं था, सभी लोग पार्टी में गए थे। तो क्या जब आपके पति लोकेश जब लौट कर आए बीच कॉटेज से तो आप उनसे मिली या आपने उन्हें देखा? ये आप क्या कह रहे हैं, वो घर आए ही नहीं थे। तो आपने इसका मतलब आपके पति और मिस्टर कोहली के बीच जो बातचीत हुई थी उसे नहीं सुनी? कैसी बातचीत, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी कि आपने अपने पति का कत्ल करने के बाद में मिस्टर कोहली को फोन नहीं किया? ये आप क्या कहते जा रहे हैं, ना ही मैंने किसी का खून किया है और ना ही उस रात मैंने किसी को फोन किया था। Your Honor, मिस्टर कोहली के मोबाइल फोन का आइटमाइज्ड बिल आपकी मेज पर पड़ा है जिससे साफ जाहिर होता है कि वाधवा हाउस से सबसे पहला कॉल उन्हें किया गया 12:30 पर और दूसरा कॉल ठीक 20 मिनट बाद 12:50 पर। अब बताइए मिसेस वाधवा, क्या आपने अपने देवर राहुल का रिवॉल्वर जो आपके पति ने वहां फोन के पास छोड़ा था, क्या आपने उसे उठाकर अपने पति पर गोली नहीं चलाई? क्या आपने अपने पति की जान नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं अपने ही पति को क्यों मारूंगी? मिसेस वाधवा, खून के दाग चाहे जितने धो लिए जाए सर अपना निशान छोड़ जाते हैं। आपके हॉल की कालीन से मिले ब्लड सैंपल्स और लाश की ब्लड सैंपल्स इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों मेल खाते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो ब्लड आपके पति लोकेश वाधवा का है। आप अदालत में कबूल कर चुकी हैं कि आप उस पार्टी से 12 बजे घर पहुंच गई थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का कहना है कि लोकेश को गोली 12:01 के बीच में मारी गई। क्या अब भी आप यही कहेंगी कि लोकेश की हत्या आपने नहीं की? क्या अब भी यही कहेंगी कि आपने अपने पति को नहीं मारा? बोलिए मिसेस वाधवा। डाला अपने पति को, मैंने ही खून कर दिया लोकेश का। साइलेंस प्लीज।
से मार डाला। लाश को ठिकाने लगाना होगा। ऐशो आराम के लिए मैंने उससे शादी की थी वो सिर्फ इसलिए जाने देती क्योंकि क्योंकि उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। अरे बेवकूफ था वो, पागल था जो समझता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं इतनी पागल नहीं थी जो इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से चले जाने देती। मैंने तो सोचा था कि लोकेश को खत्म करके सिद्धांत के खून के इल्जाम में राहुल को जेल की सजा होगी। मेरे हाथों में वो सब कुछ होगा जो मैं चाहती थी। पूरे वादवा एम्पायर की मैं एक लौती मालकिन बनने वाली थी। पूरे वादवा एम्पायर की मैं एक लौती मालकिन बनने वाली थी। योर ऑनर, केस अब शीशे की तरह साफ है। मिसेस संयोगिता वाधवा ने दौलत की लालच में और मिस्टर कोहली ने इस विशाल वाधवा एम्पायर को अपने कब्जे में रखने के लिए यह घिनौना खेल खेला। मिस्टर कोहली ने बड़ी शातिरता से अदालत को गुमराह किया, यह जताकर कि वो वाधवास के शुभचिंतक हैं और राहुल वाधवा को बचाना चाहते हैं। लेकिन उनके इस जज्बे के पीछे छुपा हुआ था उनका यह घिनौना चाल, जिसके हर कदम पर मिसेस संयोगिता वाधवा ने उनका साथ दिया। नकली योर ऑनर, कोई चाल इतनी गहरी नहीं होती कि अपने पीछे सच को छिपा सके। द डिफेंस रेस्ट्स। ये अदालत मिसेस संयोगिता वाधवा और मिस्टर कोहली को लोकेश वाधवा के कत्ल का गुनहगार मानती है और उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। साथ ही मिस्टर राहुल वाधवा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक्स केडी, कि आपने मेरा विश्वास किया और मेरे केस को अपने हाथ में लिया। मैंने तो बस सच का साथ दिया और हमेशा देता रहूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।